इस बुलेटिन के प्रायोजक है संकट मोचन इंटर कॉलेज करिया बजना सुल्तानपुर जय सिंहपुर तहसील का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस बुलेटिन के प्रायोजक है सेमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुल्तानपुर जिले का मिनी ट्रॉमा सेंटर जनता को समर्पित कर दिया गया। प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह और सांसद मेनका गांधी ने ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया। इस ट्रॉमा सेंटर में मुख्य सिटी की सुविधा मुफ्त मिलेगी। सुल्तानपुर जिले की सांसद मेनका गांधी ने निजाम पट्टी में सखी सेंटर का शुभारंभ किया। सखी सेंटर में महिला हिंसा से संबंधित समस्याओं का निवारण किया जाएगा और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। सुल्तानपुर जिले में लग्जरी वाहनों से अवैध शराब का धंधा परवान चढ़ाया जा रहा है। मोतीगरपुर थाने की पुलिस ने अवैध शराब से भरी स्कॉर्पियो पकड़ी है, जिसमें दो सफेद पोश नेता भी पकड़े गए हैं। इससे पहले भी पुलिस ने अवैध शराब से भरी एक कार पकड़ी थी। सुल्तानपुर जिले में 8वीं मुहर्रम के मौके पर अमहट इलाके में शिया समुदाय का विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में शिया हजरत अंजुमन ने नोहा खानी कर मातम मनाया। वहीं अमेठी जिले में भी मुहर्रम की 8वीं तारीख में जुलजुना व अलम ताजिया बड़े शान शौकत के साथ निकाला गया। सुल्तानपुर जिले में बसपा को जोरदार झटका लगा है। बसपा नेता रहे विपिन प्रकाश सिंह दीपक ने पार्टी मुखिया मायावती पर 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दीपक ने प्रेस वार्ता कर मायावती पर बड़ा हमला बोला है। अमेठी जिले में सिंहपुर और तिलोई इलाके के हजारों कांवड़ियों का जत्था बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में औसानेश्वर महादेवा में जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ। इस दौरान शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। बाइक सवार ने लिफ्ट देकर युवती से दुराचार किया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या जिले में पुलिस ने गोमांस तस्करी में फरार पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मवई थाने के नेवरा गांव में ये परिवार बड़े पैमाने पर गोमांस का कारोबार कर रहा था। अयोध्या जिला अस्पताल में मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिला अस्पताल में दलाली का अड्डा बन चुका है। इसका खुलासा तब हुआ जब डीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। गड़बड़ी मिलने पर डीएम ने डॉक्टरों को जमकर फटकारा और सुधर जाने की हिदायत दी। अयोध्या सांसद लल्लू सिंह और मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर तहसील में मंडप बारात भवन का शिलान्यास किया। बता दें कि इनायत नगर बाजार में 44 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा बारात भवन। अयोध्या जिले में सट्टेबाजी का धंधा जोरों पर है। पान की दुकानों में सट्टेबाजी चल रही है। मासूम बच्चों को सट्टेबाज सट्टे की लत लगा रहे हैं। बता दें कि कोतवाली नगर का बेनीगंज इलाका सट्टे का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। बाराबंकी जिले में एसपी आकाश तोमर के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। अलग अलग थाने की पुलिस ने दर्जन भर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कौशाम्बी जिले में सिराथू विकास खंड के बरीपुर प्राथमिक विद्यालय की सफाई के लिए नाबालिग मजदूरों को लगाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो ग्राम प्रधान ने बच्चों के बालिग होने का दावा किया। बहरहाल साफ जाहिर है कि कौशाम्बी में बाल श्रम कानून की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।